तो गाइज वेलकम टू ऑटो एक्सपी, मेरा नाम है राहुल भाटी और आप तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट वीडियो चैनल पर देख पाएं। सो गाइज आज जो है हम पंच सीएनजी को ले जा रहे हैं और इसमें जो है चेक करेंगे कि भाई हमारे ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो पंच में आती है उसमें कितनी सीएनजी जो आपको आ जाएगी जब आप नॉर्मल प्रेशर पर गाड़ी में सीएनजी भरवाओगे। ये बहुत से लोगों का डाउट है कि भाई कितनी सीएनजी है जो है वो आपकी आ जाएगी एक बार टैंक फुल कराने में, फिर उस हिसाब से एवरेज चेक करो तो मैं अगर 25 के एवरेज लेकर चलूँ तो उतनी जो है गाड़ी एक बार में रन कर जाएगी। तो उससे हमें इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने किलोमीटर जो हमारी गाड़ी चलने वाली है। बाकी इंजन की बात करूँ तो भाई इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिल जाएगा जो कि आपका 74 हॉर्स पावर आपका 95 एनएम का टॉर्क जो है वो आपको निकाल कर दे देगा। तो इंजन जो आपका 3 सिलेंडर इंजन है थोड़ा नॉइजी है। आपने अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं देखा है भाई चैनल पे तो आप जो वो जाकर देख सकते हो, मैंने जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है, मैंने इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है चैनल पे ही, तो वो भी जो आप जाकर चेक कर सकते हो कि भाई जो गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, स्टीयरिंग कैसा है और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा जो आपको लोगों को मिल रहा है जिन जिनों ने बंदों ने गाड़ी जो वो आपकी ली है। बाकी मैं इसके कॉम्पिटिशन की बात करूँ एक्स्टर की, तो मैंने उसमें सीएनजी भरवाई थी खाली सिलेंडर के साथ, तो उसमें जो है करीब करीब 7.25 किलो के आसपास जो वो सीएनजी आ गई थी, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, मैं जो वो स्क्रीन पर डाल दूंगा वो आप चेक कर लेना कि कितने किलो जो वो आपकी सीएनजी आ गई थी। तो हम जो वो चेक कर लेंगे कि इसमें ज़्यादा आ रही है या फिर हमारी जो एक्स्टर है उसमें जो है आपकी ज़्यादा सीएनजी आ रही है, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पर एक क्लियर हो जाएगी लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सीएनजी कितनी आ रही है। बाकी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो हमारी सीएनजी जो है वो ख़त्म है एकदम, यहाँ पर ब्लिंक कर रही है और गाड़ी जो हमारी पेट्रोल मोड पे ही चल रही है। ये देख लीजिए यहाँ पर सीएनजी जो है वो ग्रीन नहीं है, तो थोड़ा गड्ढे वड्ढे हैं वो चीज़ में आपको दिखा दिया। तो गाड़ी का सिलेंडर जो है वो एकदम जो है आपका खाली है, प्रॉपर जो है एकदम पता चल जाएगा उस चीज़ से कि भाई कितनी सीएनजी जो हमारी गाड़ी में आने वाली है आज। तो बस हम जो है पहुँच गए आपका जो पेट्रोल पम्प है, तो आ जाते हैं हम राइट में और अपना चेक करते हैं कि कितनी सीएनजी आती है और देखते हैं हमारी किस्मत कैसी है आज। थोड़ी भाई भीड़ तो लगी हुई है पर कोई नहीं, भीड़ से क्या ही करना, अपना वीडियो तो बनाना काम है, वेट करेंगे थोड़ा सा। बस पहुंच ली है अपना, ये लो, तो ये हो गई भाई हमारी सीएनजी जीरो से स्टार्ट। प्रेशर देखोगे तो 200 प्लस प्रेशर है अभी, ठीक है, और सीएनजी चल रही है 81.53। बाकी अगर इसका फ्यूल टैंक ओपन होगा तो गाड़ी ऑन नहीं होगी, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 30+30 लीटर के 2 सिलेंडर मिल जाएंगे। बूट स्पेस आपको मिल जाएगी 210 लीटर की सीएनजी होने के बावजूद, सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की वो सिलेंडर ही है भाई। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों सिलेंडर जो आपके नीचे लगे हुए हैं 30x30 के हैं, जो आपकी टिगोर आती है उसमें जो सिलेंडर आते हैं वो आपके बड़े आते हैं, तो वो करीब जो है आपके सिलेंडर जो है 70 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी वाले सिलेंडर हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपको 60 लीटर वाले वाटर टैंक कैपेसिटी वाले सिलेंडर मिल जाएंगे इस गाड़ी में। बाकी देखूँ तो भाई पंच अपने आप में एक अच्छी गाड़ी है। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये डुअल सिलेंडर वाली है का क्या चक्कर है, क्या फ़ीचर हैं, कैसे हैं, तो मैंने उनसे बोल दिया भाई चैनल पर जाओ वहाँ पर अपना वीडियो वगैरह देख लो। तो सीएनजी जो है हमारी करीब 570 के आसपास की आ गई है और सीएनजी आई आपकी 7.17 और अभी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा से ज़्यादा हो गई है, एक्स्ट्रा से तो ज़्यादा आ गई है, 7.61 केजीज जो हमारी सीएनजी आ चुकी है इस गाड़ी में अभी, तो एक्स्ट्रा से जो है थोड़ी ज़्यादा है करीब, उस एक्स्ट्रा में जो आपकी 7.25 किलो आती है तो करीब करीब आपका 0.4 केजी के आसपास जो वो ज़्यादा आई है इसमें। तो चलते हैं, और सीएनजी टोटल जो आई है वो आई है आपकी 620 रुपये की। हमारी गाड़ी में जो है करीब 7.65 केजी सीएनजी जो वो आ गई। एक और फीचर जो इस गाड़ी का बहुत अच्छा है और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा वो ये है कि भाई ये गाड़ी जो है डायरेक्ट सीएनजी पे ऑन हो जाती है, चाहे आप पेट्रोल पे चलाओ मत चलाओ, बट ये गाड़ी हुंडई और मारुति से ये चीज़ इसमें अच्छी है कि डायरेक्ट आपका जो आप सीएनजी पे जो वो ऑन हो जाएगी। तो टाटा ने मेहनत बहुत करी है भाई इस टेक्नोलॉजी इस पर, और सबसे बड़ी जो ICNG टेक्नोलॉजी उसमें एक और चीज़ है कि अगर गाड़ी में बाई चांस कहीं से सीएनजी लीक होगी ना तो ये खुद पे खुद डिटेक्ट कर लेगा कि भाई गाड़ी में से कहीं से सीएनजी लीक हो रही है, तो ये जो है आपके सिलेंडर में से सीएनजी निकलनी जो वो बंद ही हो जाएगी, तो ऑटो कट ऑफ जो है आपको इसमें मिलता है, आग लगेगी तो भी आपकी सीएनजी जो है वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे फीचर जो है टाटा ने ना अच्छे दे दिए हैं। एक तो सेफ्टी को लेकर, सबसे पहले सेफ्टी में तो आपको पता ही है टाटा का क्या हाल है भाई, सेफ्टी में तो टॉप नॉच, मतलब ये बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत मेहनत करते हैं और अब सेफ्टी में भी वैसे भी अपनी टेक्नोलॉजी पे उन्होंने बहुत काम किया है टाटा वालों ने, क्योंकि और कंपनियां इतना टाइम नहीं लगाती सीएनजी गाड़ी लॉन्च करने में जितना इन्होंने लगाया गाड़ी तैयार करने के बाद।
इतने दिन उन्होंने वेट कराया, करीब जनवरी मोटर एक्सपो में आ गई थी आपकी पंच सीएनजी, उसके बाद जो है लोगों ने वेट करते रहे करते रहे, और अब आपका अगस्त में आके जो है वो गाड़ी आई है और अब डिलीवरी मिलनी जो है आपकी स्टार्ट हुई है अगस्त एंड में। तो भाई ये थी मेरी पंच सीएनजी की वीडियो जिसमें कि हमें सिलेंडर भराया। अब इसकी वॉक अराउंड वीडियो जो है, ये आपका एडवेंचर वेरिएंट है, इसकी वॉक अराउंड वीडियो जो है आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय वीडियो।